हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी की सभी। तो वेलकम है अपनी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, अब से सारी वीडियोस और भी मजेदार होने वाली है, क्योंकि अब ये सारे धीरे धीरे फाइनल बैटल की तरफ बढ़ने वाले हैं। और इसमें किंग डेविल का क्या सीन रहेगा वो भी आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्या, आखिर ये आवाज कैसी आ रही है मुझे? कौन है जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है? सामने आओ मेरे। आखिर है क्या ये चीज? सैटन, तुमने जो ये सब स्टार्ट किया है, ये तुम्हारे हाथ से सब निकलता जा रहा है धीरे धीरे। हाँ बॉस, मैं समझ रहा हूँ, फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अभी ये प्लान बनाना छोड़ो, अब उन सबको जाके ठिकाने लगाओ, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। अब मैं समझ गया हूँ आखिर हमें करना क्या है। आप फिक्र मत करे बॉस, इन सब का नामो निशान मैं जल्द से जल्द मिटाऊंगा। सैटन मेरी बात सुनो, वो ब्लड रेवन वापस आ गया और तुम्हारे लिए एक बुरी खबर भी लेके आया है। क्या कहा, बुरी खबर? अब क्या कर दिया इसने? पता नहीं, ये तो उससे जाके ही पूछना पड़ेगा। चलो अंदर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो गाइस, आप लोग भी अपने फ्री टाइम में कुछ गेम्स खेलकर अपने रॉयल पास के पैसे निकालना चाहते हो, विड्रॉल तक की पूरी प्रोसेस में चलो आपको लाइव दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करने पर आपको 550 रुपीज का बोनस भी मिल जाएगा। गाइस ये साइज में तो काफी छोटा है, पर ये इंडिया का नंबर वन गेमिंग एप्लीकेशन है। और हाँ, यहाँ BGMI के कॉन्टेस्ट वगैरह भी चलते रहते हैं, आप चाहे तो इनको खेल के पैसे भी कमा सकते हो। और बाकी 100 से ज्यादा गेम्स तो यहाँ पे है ही है, आप चाहे तो उनको भी खेल सकते हो। कुछ फेमस गेम्स के नाम आप स्क्रीन के राइट साइड पर देख ही रहे होंगे। एंड चलो अब मैं आपको एक गेम खेल के दिखाई देता हूँ। फ्री प्ले का हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आप चाहे तो बोनस के पैसे भी यूज कर सकते हो। इन्हीं को डेली आप खेल खेल कर पैसे भी कमा सकते हो। एक ऐप जहाँ पे 100 गेम्स है, आप फ्री में खेल सकते हो बिना डाउनलोड करे, और यही करते करते आप पैसे भी कमा सकते हो। और चाहे तो आप अपने दोस्तों को भी रेफर कर सकते हैं, आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं यहाँ पे। तो भाई लोग, विन विन सिचुएशन है यहाँ पे। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके डाउनलोड करें इंडिया का नंबर वन गेमिंग ऐप, और इस तरह से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं काफी इजीली। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी जाके डाउनलोड करो विंजो ऐप। मुझे माफ करना, वो फ्लेम डेविल मेरे हाथों से बच निकला। मैंने उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी, इतनी कि वो अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता था। पर लास्ट में वहां पे कोई तो आया था जो उसको लेके वहां से निकल गया, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। बस बहुत हो गया ये ड्रामा, सभी लोग हमसे बच के निकल लें। पहले वो फेरो, फिर एवरलांच, और अब ये फ्लेम डेविल। इन सभी को ठिकाने लगाने के लिए अब हमें इनके वीक पॉइंट पे टारगेट बनाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। वीक पॉइंट? आखिर उस फ्लेम डेविल का वीक पॉइंट क्या है? उसकी फैमिली है वीक पॉइंट, तुम जाके उन्हें ढूंढो पहले, फिर उसके बाद वो फ्लेम डेविल तुम्हारे पास खुद चलकर आ जाएगा। और हाँ, तुम जाके उस एवरलांच को ठिकाने लगाओ, क्योंकि अभी भी वो जिंदा बचा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, मैं कर लूंगा ये। ठीक है, तो फिर मैं जाके उसकी फैमिली को ढूंढता हूँ पहले, और उन्हें टारगेट बनाता हूँ। फिर उसके बाद वो फ्लेम डेविल कहीं भी हो, अपनी फैमिली को बचाने के लिए तो जरूर आएगा, और उसी टाइम मैं अपना प्लान इस्तेमाल करूंगा उसको खत्म करने के लिए। बहुत अच्छे, अब जाओ जल्दी काम पे लगो अपने। हाँ ठीक है। तुम्हें अचानक आखिर हुआ क्या? थोड़े टाइम पहले तुम इतना सारा प्लान बना रहे थे उनको खत्म करने का, और अब कह रहे हो कि जाके सीधा खत्म कर दो। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? मुझे प्रॉब्लम नहीं, बॉस को प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि ज्यादा अगर उनको टाइम दिया तो वो फिर से ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे, और उन्हें हराना फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उनको अभी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनके भी कुछ लोग काफी घायल हैं, इसलिए हमें ये सब करना पड़ेगा जल्द से जल्द। ठीक है फिर, तो मैं जाके उस एवलांच को ढूंढता हूँ इस मैप में। पर तुम कहाँ जाओगे? मैं जाऊंगा उस फेरो को ठिकाने लगाने, क्योंकि वो आगे चल के हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकता है। अच्छा तो ठीक है फिर, मैं जाता हूँ उस एवलांच को ढूंढने।
क्या? ये मैं कहाँ पे हूँ? आखिर मैं यहाँ आया कैसे? मैं तो शायद ब्लड रेवन से फाइट कर रहा था वहाँ पे। अरे ये क्या, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि तुम कब होश में आओगे। ओ अच्छा, तो ये तुम्हारा काम है। तुम मुझे वहां से यहाँ क्यों लेके आ गए? अगर मैं नहीं लेके आता तो वो तुम्हारा भाई ब्लड रेवन तुम्हारी पेटी बना लेता। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हारा भाई होकर तुम्हारी पेटी क्यों बनाना चाहता है। इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। उसको कैसे संभालना है मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम बस अपने काम से काम रखो मैजिस्टिक। देखो तुम जो भी कह लो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने फैरो की हेल्प करी थी कुछ टाइम पहले, और इससे ये भी पता चलता है कि तुम अंदर से काफी अच्छे इंसान भी हो। तो इसलिए मेरे पे भरोसा करके तुम मुझे बता सकते हो, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ उस काम में। देखो पहली बात, मैंने उस फैरो को इसलिए बचाया था ताकि उसने भी मेरे बेटे को एक मौका दिया था। उसी की वजह से आज वो जिंदा है, इसलिए मैंने बस ये किया, और कोई बात नहीं है। और रही बात ब्लड रेवन की, तो उसको मैं देख लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं चाहते, ठीक है मैं नहीं कर रहा, पर अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। फिक्र मत करो मैजिस्टिक, वो दिन कभी नहीं आएगा। अब ये क्या? ये क्या कह रहे हो? मेरी फैमिली खतरे में है? क्या वो मेरी फैमिली को ढूंढने निकला है? मुझे जल्दी उसे रोकना पड़ेगा, कहीं देर ना हो जाए। आखिर तुम्हें इस क्रो की बात समझ कैसे आ रही है? क्योंकि ये मेरा पालतू क्रो है, ये जो भी बोलता है मैं समझता हूँ इसकी बात। इसको मैंने ब्लड रेवन की जासूसी के लिए लगाया था, पर अब वो मेरी फैमिली को ढूंढने निकला है, तो अब मुझे उसे जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है तो फिर तुम जाकर उसे जल्दी रोको। हाँ मुझे पता है, चलो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। ये एवलांच ऐसे शांत क्यों खड़ा हुआ है, आखिर बात क्या है? दरअसल जब कुछ दिनों पहले इस पे अटैक हुआ था, उसमें इसकी किसी चाहने वाले की जान चली गई थी, तभी ये इतना ज्यादा दुखी है इस टाइम। क्या चाहने वाला? कहीं विंटर क्वीन तो नहीं? एवलांच क्या बात है, क्या हुआ? कुछ दिनों पहले वो गॉड एक्स और फ्लेम डेविल पता नहीं कहां से आ गए, और उन्होंने हमारे घर पे अचानक हमला कर दिया। क्या गॉड एक्स और फ्लेम डेविल? वो दोनों तो मर चुके थे ना, वो वापस कैसे आ गए? मुझे नहीं पता इस बारे में, पर उस गॉड एक्स की वजह से विंटर क्वीन ने अपनी जान गंवा दी। वो लास्ट टाइम पे भी मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, और मुझे सेव करने के चक्कर में वो अपनी जान गंवा बैठी। मुझे माफ करना एवलांच, मैं वहाँ पे थोड़ा जल्दी पहुँच जाती तो ये सब नहीं होता। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरी है, मैं उसे बचा नहीं पाया उस टाइम। फिकर मत करो एवलांच, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, और उस गॉडेस की सजा उसे जरूर मिलेगी। इस बार मैं उसे छोड़ने वाला नहीं, उसे जान से मार दूंगा मैं, तभी मेरा बदला जाके शांत होगा। अगर मेरे लिए कोई काम है एवलांच तो मुझे बता सकते हो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। वहाँ से तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर अब मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम जा सकती हो, इस गॉड एक्स को मैं देख लूंगा। ठीक है तो फिर तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ अब। ठीक है तो फिर एवलांच, तो चलो अब उस गॉड एक्स की बारी है मरने की। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, चलो चलते हैं। क्या हुआ जोकर, यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? और पोसाइडन कहाँ गए? वो भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल विकेंडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए पोसाइडन वहाँ पे गए हैं। क्या प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम? कुछ दिनों पहले शायद एवलांच और विंटर क्वीन के ऊपर किसी ने हमला किया, और उसमें शायद उन दोनों को काफी ज्यादा चोट भी लगी है। क्या उन सब पर अटैक? आखिर ये सब चल क्या रहा है, किसने किया ये सब? मेरे ख्याल से दो लोग हैं, गॉडेक्स और वो फ्लेम डेविल, क्योंकि उससे पहले फैरो और इरिडेसन पे भी हमला किया था उन लोगों ने। अगर वो दोनों वहाँ से निकल गए तो ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है, हमें उन्हें जल्द से जल्द रोकना होगा जोकर, वरना इस तरह तो वो हमारे दोस्तों को नुकसान पहुँचाते रहेंगे। मगर हैरानी की बात तो ये है एंजल, कि उस फ्लेम डेविल के पास मौका था फैरो को मारने का,
पर उसने उसे मारा नहीं, उसे छोड़ दिया। पर आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ये बात कुछ समझ नहीं आई। ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, पता नहीं आखिर चल क्या रहा है। परेशान मत हो जोकर, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ देखते हैं क्या होता है आगे। तो गाइस वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना, और इसका नेक्स्ट पार्ट यार बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो उसके लिए वेट करना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, वेट करना। I'm gonna be a man, 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 I'm g